हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो वीडियो में आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ डिओडोरेंट के कॉम्बो सेट का रिव्यू। तो गाइस ये जो ब्रांड है ये मेरे लिए तो न्यू है। अगर आप लोगों ने इस ब्रांड का कोई भी फ्रेग्रेंस यूज़ किया है तो नीचे आप लोग कॉमेंट करना। तो गाइस आज का जो ब्रांड है वो है बीट एक्स। तो इसे मैंने फ्लिपकार्ट से परचेज किया है और इसे फ्लिपकार्ट बहुत सारे लोगों ने रेटिंग किया है, लगभग अप्रोक्सीमेटली 5000 से ऊपर लोगों ने परचेज कर लिया, बहुत सारे लोगों ने इसे रेट किया है और बहुत अच्छे अच्छे रेटिंग करी है। तो मैंने सोचा कि चलिए इसको परचेज करते हैं और आप लोगों के साथ एक जेन्युइन रिव्यू शेयर करते हैं कि इसकी फ्रेग्रेंसेस कैसी हैं। तो गाइस इसमें आप लोगों को 3 वेरिएंट मिलते हैं एक कॉम्बो सेट में और 150 ml के, यानी कि आप लोगों को जो पूरे 3 कॉम्बो मिलेंगे वो 450 ml के मिलते हैं। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसकी डिटेलिंग एंड साथ में करेंगे इसकी फ्रेग्रेंस का टेस्ट और आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी इसे आप लोगों को परचेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, इसे मैंने फ्लिपकार्ट से परचेज किया, इस तरीके की कार्डबोर्ड के पैकेट में रिसीव हुआ था, इसे मैंने यहाँ से अनबॉक्स कर लिया है। तो चलिए मैं आप लोगों के साथ दिखाती हूँ। सो गाइस ये डिओडोरेंट थे ये इस तरीके की पैकेजिंग में मिले हैं, आप कह सकते हैं कि कोई भी आउटर पैकेजिंग नहीं थी। जल्दी से इसकी डिटेलिंग देख लेते हैं। बीटेक्स में आपको 3 वेरिएंट मिलते हैं, कूल ब्रूट, स्पाइसी स्वैग एंड मस्की माचो। अगर इसकी डिटेलिंग की बात करें गाइस, तो ये जो डिओडोरेंट है ये मेन के लिए है और इसमें आप लोगों को 36 मंथ की सेल्फ लाइफ मिलती है। अगर इसकी प्राइस की बात करें गाइस, तो इसका जो प्राइस है, जो इसका करंट प्राइस है, ये सब में आप लोगों को अंडर 400 मिल रहा है। तो आप लोगों को इसे 400 के अंडर में इसे परचेज कर सकते हैं। और अगर हम इसकी फ्लिपकार्ट पे रेटिंग की बात करें तो गाइस इसको 5954 लोगों ने रेट किया है। इसकी जो रेटिंग है वो 3.9 स्टार रेटिंग है। आप लोग के साथ इसकी फ्रेग्रेंस को बताती हूँ कि इसकी फ्रेग्रेंस कहती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे, ये है बीटेक्स का कूल ब्रूट। इसकी जो पैकेजिंग है ये आपको ब्लैक एंड ब्लू कलर की मिलती है, बहुत अच्छी सी एक मैनली बॉटल है। मैं जैसे कि यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ तो आप देखिए ये लिक्विड भी आप लोगों को यहाँ पे विजिबल होगा। तो ये इसकी जो ये कितना लॉन्ग लास्ट करता है तो वो अभी मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी कि कितनी देर तक ये लॉन्ग लास्ट कर जाता है। तो गाइस चलिए सबसे पहले इसके नोट देख लेते हैं, उसके बाद इसकी जो फ्रेग्रेंस है ना उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें आपको टॉप नोट में ग्रेप फ्रूट्स, लेमन एंड मिंट मिलता है एंड इसकी मिडिल नोट की बात करें तो उसमें आपको जिंजर, नटमेग एंड जैस्मिन मिलता है। इसका जो बॉटम नोट है उसमें आप लोगों को मिलता है व्हाइट मस्क एंड सेडर। तो इसमें ग्रेप फ्रूट्स ऐड किया गया है, इसमें मस्क ऐड किया गया है, तो जो मस्क वाली फ्रेग्रेंस होती है वो थोड़ी सी स्ट्रांग हो जाती है। पर गाइस जैसे मैंने इसको अभी अप्लाई किया और ये ड्राई हुआ, 5 सेकंड में ड्राई हो गया, इसकी फ्रेग्रेंस बहुत ज्यादा सटल हो जाती है, बहुत माइल्ड रह जाती है। इसमें से आप लोगों को एक फ्लावर और एक सिट्रसी फ्रेग्रेंस का ब्लेंड मिलता है, बहुत प्यारा सा। और ये इसकी टाइमिंग अगर बताऊं तो गाइस ये यू नो 2 या 3 आवर्स, अप टू 2 to 3 आवर्स ही चलेगी। डिओडोरेंट होते हैं वो ज्यादा देर तक लॉन्ग लास्ट नहीं करते हैं और बॉडी में से उड़ जाते हैं। लोगों को सिट्रसी और फ्लावर वाली नोट्स पसंद है तो आप लोगों को ये जो वेरियंट है ये पसंद आएगा। सेकेंड वेरिएंट है बीटेक्स का स्पाइसी स्वैग। ये आप लोगों को रेड एंड ब्लैक कलर की इस तरीके से बॉटल में मिल रहा है। तो चलो गाइस इसके नोट से, टॉप नोट में आपको लेमन, स्पाइसी एंड लेवेंडर ऐड है एंड मिडिल नोट में आपको रोज, जैस्मिन एंड लिली मिलता है एंड बॉटम नोट की बात करते हैं उसमें आप लोगों को सैंडलवुड, मस्क एंड पंचोली मिलता है। जो इसमें से फ्रेग्रेंस आ रही है वो टोटली एक मैनली, एक मस्कुलिन फ्रेग्रेंस आ रही है। इसमें से आप लोगों को एक फ्लावर वाली, चंदन वाली और एक रिफ्रेशिंग, बहुत अच्छी एनर्जेटिक फ्रेग्रेंस मिल रही है विद स्पाइसी नोट्स। मेंस होते हैं, जो बॉयज होते हैं, उनको स्पाइसी वाली फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी लगती है, एक स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस अच्छी लगती है। तो गाइज अगर आप लोगों को स्पाइसी विद फ्लावर एंड एक सैंडलवुड चंदन वाली फ्रेग्रेंस पसंद है तो आप लोगों को स्पाइसी स्वैग वाला वेरियंट पसंद आएगा। हम बात करेंगे हमारे लास्ट वेरिएंट के बारे में। तो उससे पहले अगर आप लोग यहाँ तक पहुँच चुके हो तो प्लीज़ वीडियो लाइक कर दो। अगर ऐसे ही वीडियोस देखना है, अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे फ्रेग्रेंस के रिव्यू देखने हैं फ्यूचर में, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, जो सब्सक्राइब का बटन आ रहा है ना इधर, उसे प्रेस कर दो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, जिससे जब भी मैं वीडियो डालूँ आप लोगों के पास का नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो लास्ट वेरिएंट है ये है ग्रीन एंड ब्लैक कलर की बॉटल। इसका जो नेम है, इसका नेम है मस्की माचो। नोट्स देखते हैं, टॉप नोट में आपको मिलता है यहाँ पे पेपरमिंट एंड जो मिडिल नोट है उसमें आप लोगों को मिलेगा लिली ऑफ द वैली एंड रोज, ठीक है। एंड बॉटम नोट में आपको मिलता है कैरेमल, अंबर एंड वैनिला। और ना इसमें से ना एक पुदीने वाली जो पेपरमिंट डाला गया है ना, पेपरमिंट आप लोगों ने पहले यूज कभी किसी ने यूज देखा है ना, जो घर में पुदीना यूज किया जाता है ना, मिंट जो यूज किया जाता है, पेपरमिंट, उस वाली फ्रेग्रेंस वाली गाइस बहुत ही अच्छा रिलेट बता दिया मैंने। इसमें से आप लोगों को 2 नोट्स आ रहे हैं, पेपरमिंट वाले
और वेनिला वाले बहुत ही स्ट्रांग लेवल के, यानी कि आप लोगों को पूरी की पूरी टोटली खुशबू आएगी इसमें से। आप लोगों को पेपरमेंट वाली, जो मोस्टली लोगों ने पेपरमेंट की जो स्मेल है वो ली होगी, और आप लोगों को स्वीट नोट आ रहे हैं। तो अगर आप लोगों को कुछ इस तरीके की फ्रेग्रेंस पसंद है तो ये जो वेरिएंट है ना बीटेक्स का मस्की माचो, ये आप लोगों को पसंद आएगा। अगर आप लोगों को कोई पेपरमेंट वाली फ्रेग्रेंस पसंद है और आप लोग ढूंढ रहे हैं तो गाइज ये वेरिएंट आपके लिए है। इसे परचेज कर लो, आप लोगों को पूरी की पूरी पेपरमेंट वाली एंड आप लोगों को बहुत अच्छी वाली वेनिला वाली फ्रेग्रेंस आने वाली है। तो गाइज मैंने आप लोग के साथ यहाँ पे रिव्यू कर दिया है, डिटेल भी शेयर कर दी है। तो अगर आप लोग परचेज करते हैं तो कोई बुरी डील नहीं है, आप लोगों को 300 में या उसके अंडर भी आप लोगों को ये 3 वेरिएंट्स मिल जाते हैं। ज्यादा देर लॉन्ग लास्ट नहीं करती है और फ्रेग्रेंस भी ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज्यादा माइंड ब्लोइंग फ्रेग्रेंस है, पर गाइज ऐसा भी नहीं है कि बहुत बुरी है। हाँ, माइल्ड माइल्ड फ्रेग्रेंस है, तो आप लोग इसे कॉलेज में ऑफिस में लगा सकते हैं। फुल एक पार्टी वेयर वाली फ्रेग्रेंस नहीं है, एक होता ना कि पार्टी वाली फ्रेग्रेंस है, जैसे कि नेम इनको मिले हैं। तो 2 वेरिएंट है इसमें, ये ब्लू एंड रेड वाले, ये ट्राई करना, ये अच्छे हैं। और ये मैंने आप लोगों को बता दिया कि पेपरमेंट वाली बहुत ही स्ट्रांग लेवल की फ्रेग्रेंस आ रही है इसमें से, ये थोड़े से माइल्ड लगे हैं। बाकी ये मेरे जो घर के मेंबर्स थे उनने भी इनको यूज किया है, बताया है कि हाँ ये तीनों में से ये 2 वेरिएंट बहुत अच्छे हैं और ये थोड़ा सा ज्यादा ही स्ट्रांग है। तो आप लोग बताना अगर आप लोगों ने परचेज किया है, आप लोगों ने यूज किया है, तो आप लोगों को कौन सा अच्छा लगा कौन सा नहीं अच्छा लगा है। और अगर आप लोग परचेज करना चाह रहे हैं तो उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन मिलेगा। और बताइएगा कि आज का वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो, यहाँ तक पहुंच चुके हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और ऐसे ही वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।